अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डक पॉइंट से लेकर यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई घटना के विरोध में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। छात्रों ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जहां एक शिक्षण संस्थान में घुसकर गुंडों के द्वारा पीटा गया हो। ये बहुत ही अलग बात है। जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष को भी बुरी तरह पीटा गया है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव को भी घसीट कर मारा पीटा गया है। पहले जामिया में बाहरी गुंडे आए थे, उन्होंने वहां पर हंगामा किया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुसकर बाहरी लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पथराव किया था और अब जेएनयू में ऐसा हुआ है। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंस्टीट्यूट को बचाने का काम करेंगे। हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यह देश का वापस बंटवारा करने के लिए लड़ रहे हैं। डिप्टी एसपी ने कहा कि 60 से 70 लड़के यूनिवर्सिटी में मार्च निकालने आए थे। जेएनयू वाले मामले पर छात्रों ने जो भी प्रोटेस्ट किया है वह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर थे। हमने बाहर पुलिस फोर्स को अलर्ट किया है। हमारे पास एक कंपनी पीएसी और 4 थानों की पुलिस मौजूद है। देखिए जेएनयू में जो हंगामा एक हुआ 5 बजे शाम से शुरू हुआ और बाहर से आए कुछ लोग और पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था और वहाँ पर इतना पटा कि जो जेएनयू एसयू के अध्यक्ष थे उनको मारा बहुत बुरी तरीके से। बाद में जो बाहर से लोग गए बचाने के लिए उनको प्रोफेसर योगेंद्र यादव को घसीट करके गिरा दिया गया। ये मतलब बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह का सिविल सोसाइटी बनाई जा रही है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कभी नहीं हुआ था इस तरह बाहर गुंडे बदमाश बुला करके और हायर करके उस तरह पिटवाया जाता था छात्रों को। इससे पहले कि जामिया में ऐसे ही बाहर से गुंडे बदमाश बुला करके जामिया वालों को पीटा गया। यहाँ एमयू में जो हंगामा हुआ पता चला कि उसमें भी कुछ लोग बाहरी लोग थे, पत्थर मारा और वो स्टूडेंट के ऊपर आ गया। अब ऐसे ही जेएनयू में शुरू होगा। तो जो ये जो चल रहा है इससे बहुत अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरे सिविल सोसाइटी के साथ ये उनसे चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो लोग स्टैंड लें और ये तीनों इंस्टीट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी। अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं बचे तो ये देश भी बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि हम हर उस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं जो जुल्म आम जनता पे हो रही है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ऊंचा हो या नीची जात हो या कोई भी जात हो, सबके लिए स्टैंड हम लोग का है। पूरा देश बचाने की लड़ाई चल रही है और अगर ये देश बचाने की लड़ाई में अगर ये लोग वो हंगामा काट रहे हैं तो ये अफसोस की बात है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि देश का दोबारा से बंटवारा हो जाए। जो लोग ये हंगामा काट रहे हैं, खास करके वो जो एबीवीपी वाले लोग हैं, ये लोग देश का दोबारा से बंटवारा चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फौरन बैन करना चाहिए, इनको लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तुरंत जेल के पीछे भेजा चाहिए। देखिए आज जेएनयू दिल्ली में जो शाम को घटना घटी थी उसके फलस्वरूप यहाँ पर प्रतिक्रिया स्वरूप एएमयू के लगभग 70-80 स्टूडेंट बाबे सैयद गेट पर इकट्ठा हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर सभी एएमयू सर्कल पर तैनात हैं। पिछले सर किस तरह की फोर्स है, कौन कौन है? हमारे पास 2 प्लाटून पीएसी सिविल पुलिस है, इसके अलावा 4 थानों के थाना प्रभारी भी यहाँ लगाए गए हैं।